कलनी बाजार में हूँ, जहाँ पर सीलिंग को लेकर विरोध जारी है। व्यापारी संगठन हड़ताल पर है। सीलिंग की कार्रवाई पिछले 3 महीने से चल रही है और अब तक दिल्ली में 3000 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गई है। अमर कॉलोनी में भी 700 में से 400 दुकानें सील कर दी गई है। इस वक्त मेरे साथ कुछ व्यापारी है, आइए उनसे बात करते हैं क्या है परेशानी और वो कब तक इसका विरोध करेंगे। मैं 90 से आया हूँ यहाँ पर और मुझे बड़ी बड़ी खुशी होती है, मार्केट खुली होती है, मैं रेडी वाला हूँ। मैं खुशी जो होती है कि मैं 2 पैसे कमा के ले जाता हूँ, अपने बच्चों को ले जाता हूँ। इतने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कढ़ाई वाले, एम्ब्रॉयडरी वाले, सिलाई वाले, जितने भी सारे लोग तराही तराही कर रहा है। जैसे अभी अभी मौसम आ रहा है, पक्षियाँ जैसे मरते हैं तो हम लोग छत पर एक कटोरा रख करके उसमें पानी देते हैं। यहाँ पानी के लोग बगैर मर जाएंगे। ऐसे ये देश को क्या बनाना चाहते हैं ये? आज रोड कहते मार्केट बंद है, आज मेरे पास कोई रास्ता नहीं। आज से अलावा शाम को जाकर रोता हूँ, बच्चे कहते हैं पापा तुम कहाँ जाओगे, आज मेरी बात 3-4 दिन रह गए रेडी बंद में, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मोदी जी अगर सीलिंग नहीं खोला जाएगा तो आदमी का काम नहीं रहेगा, तो आतंकवादी बनेगा। आतंकवादी कौन बन रहा था? सरकारी तो बना था आतंकवादी। नोटबंदी से ही परेशान कर रखा, पहले नोटबंदी किया, फिर GST किया, अभी सीलिंग किया है। परेशान पे परेशान किए जा रहे हैं लोगों को। यहाँ पे ऐसी ऐसी दुकानें हैं जो एक छोटी सी छोटी दुकान भी है तो उसमें 50 लोग जुड़े हुए हैं उससे। अगर ये ऐसी चलता रहे हफ्ते दिन में ना, सब बर्बाद हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, जो भी सेविंग थी सब खत्म हो रही है। पिछले महीने की सैलरी भी अब मिलने वाली थी इस 10 तारीख को, जो कि दुकान बंद होने नाते हमारे ऑनर मना कर दिया देने से। इससे हमारी पूरी फैमिली परेशान है, हम खुद परेशान है, हम मरने मारने से उतारू हो गए। अगर ये दुकानें जल्द से जल्द खुली नहीं तो हम किसी की जान ले सकते हैं, किसी की जान दे सकते हैं। मोदी जी यही बोलते थे कि मैं रोजगार दूंगा, 10 लाख रोजगार सालाना दूंगा, 10 करोड़ रोजगार दूंगा। ये रोजगार क्या देंगे मैम? ये तो पूरी रोजगार छीन लिए। आज मेरे पास किराया नहीं है, तभी तो मैं बच्चों को पार्क में बैठा के आया हूँ। आज मैं बच्चों को कहाँ का उनका गला कटवाऊँ, क्या करूँ मैं? हमें क्यों उनको मतलब बेरोजगार करके हमें क्यों क्राइम के रास्ते पे धकेल रहे हैं ये? हमारे पास कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो हम रोड पे निकलेंगे, किसी का छीन के खाएंगे, क्या ये चाह रही है गवर्नमेंट? कानून की नजर में सीलिंग वैध है या अवैध है, सवाल यहाँ ये नहीं है। सवाल यहाँ ये है कि छोटे से छोटा व्यापारी, बड़े से बड़ा व्यापारी सीलिंग के चक्करव्यूह में फंस गया है। किसी को अपने बच्चे की फीस भरनी है तो किसी को घर का राशन लाना है, किसी की तनख्वाह नहीं आई तो किसी के घर में उसकी बीवी बीमार है, ऐसे में वो कैसे अपना खर्चा करेगा? अगर सरकार हमारी ये वीडियो देख रही है तो इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे। मेरे सहयोगी वकार अहमद के साथ प्रतीक्षा कुकरेती, लोकमत न्यूज़.in।